सीते, क्या है वो भी बता दीजिए। उपलक्ष जो भी है इसका आनंद आप अकेले नहीं लेंगे। नेत्र बंद कीजिए। क्यों? कीजिए ना। अब नेत्र खोल सकता हूं। धैर्य रखिए, कुछ क्षण और। चलिए मेरे साथ। कहां ले जा रहे हैं सीते? धैर्य रखिए। अब अपने नेत्र खोलिए। सीते, ये सब क्या है? सीते, ये सब क्या है? अपने अतिथियों से मिलिए। चैत्र की नवमी तिथि है। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको लक्ष्मण।
के जन्मदिन पर परिवार का होना आवश्यक है ना, इसीलिए मैंने इन सब लोगों को बुलाया। देखिए ये सब लोग आपको बधाई दे रहे हैं। सीते मेरे चंद दिवस का, इससे बड़ा हुआ हो ही नहीं सकता। सीते मुझे तो अब आपका आभार प्रकट करने में भी संकोच हो रहा है। रघुनंदन, आप युगों युगों तक इसी प्रकार मेरे नेत्रों के समक्ष रहे और मैं आपके हृदय के समीप, सदैव मेरी यही कामना है। पूरे क्षेत्र में राक्षसों के आक्रमण, दुराचार और हिंसा से आश्रम का वातावरण अत्यंत ही दुखदायी हो गया है। लोग उनकी हिंसा से अत्यंत पीड़ित हैं और भय के कारण यहां से पलायन कर रहे हैं। संपूर्ण वन का वातावरण अत्यंत दुखदायी हो गया है। रघु अत्यंत भाग्यशाली है दशरथ ब्रह्मा कि उसे आप लोग मिले। यहां बहुत सी माताएं ऐसी हैं जिनके बालकों का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। रघुनंदन, मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। संभवतः आगे वन में भयावह संकट का सामना करना होगा। ऐसे में जनक नंदिनी सीता का आपके साथ रहना उचित नहीं है। आप उन्हें यहीं आश्रम में रहने दीजिए। मैं केवल उनकी सुरक्षा की दृष्टि से कह रहा हूं। निश्चय ही सत्य कह रहे हैं आप, किंतु अभी इस समय मैं कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं। सीता से संबंध में बात करके आपको अपने निर्णय से अवगत करवाऊं। अवश्य।